hotel closest to International Airport Chandigarh. Units starting at 32.5 lakhs. Project selling fast. Limited units available. For bookings call 9569-300-400. Dainik Savera. Naya Savera, Nayi Khabar. Hum rakhte hain duniya ki khabar. Hum laate hain desh ki khabar. Har pradesh ki khabar. Har dharm, har vishwas ki khabar. Karubari duniya ki khabar. Khoobsurti pe nazar. Filmi duniya ki khabar. Khel kood ki khabar. Kuch khaas khabar. Dainik Savera, Naya Savera, Nayi Khabar. Aaj ki taaza khabar. ब्रेक के बाद बात करते हैं गुरदासपुर की, जहां पर डेंगू के मरीज की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। सिविल अस्पताल ने एक डेंगू के मरीज की पुष्टि की है और साथ ही तीन डेंगू के संदिग्ध मरीज भी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से इन मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਾਰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। तो भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा 324 में से 212 भारतीयों को काली सूची से निकाले जाने पर सिख जगत में खुशी की लहर है। वहीं यूके के ग्रामशम के पूर्व मेयर नमनजीत सिंह ढेसी ने इस फैसले का स्वागत किया। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा 324 में से 212 भारतीयों को काली सूची से निकाले जाने पर यूके ग्रामशम के पूर्व मेयर और चेयरमैन ऑफ लेबर पार्टी नमनजीत सिंह ढेसी ने खुशी जाहिर की, क्योंकि 1984 के बाद से सिख ज्यादातर अमेरिका, कनाडा और यूके में बसे हैं और काली सूची से निकलने पर उनके परिवार को खुशी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सिख भारतीय जेलों में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उनको भी जल्द रिहा करना चाहिए। जी, मैं जो लिविंग इंडिया न्यूज चैनल है, उन्होंने दर्शकों के नाल मैं यही गल साझी करूंगा। तो मैं सब तो पहला सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने यह कदम जो चुकया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तो जो बाहरले सिख सन उन्हों की गुजारिश थी कि आप इस काली सूची बंद करिए। हम 30 साल तो उपर हो गए हैं। उस काली सूची चो मैंने 324 नावों चो 212 कढ़ दिते गए हैं। सो यह बहुत वधिया गल है। मैं समझदा कि ये जो बाहरले वसदे सिख ने वह भी खुश होणगे, तो जिहड़े उन्हां दे परिवार जो इत्थे भी रहिंदे ने पंजाब दे विच इंडिया दे विच, वह भी इस चो बहुत खुश होणगे। तमनजीत सिंह ढेसी ने नस्ली हमलों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि नस्ली हमले तो पहले भी होते थे, परंतु अब यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने सरकार और एसजीपीसी से मांग की कि वो इसमें दखल दे। जी देखो, जो नस्ली हमले ने पहला भी सन, जो ईयू रेफरेंडम तो जी वोट पई है उ जून दे विच, जिस वोट के मुताबिक हुण यूके हौली हौली जो यूरोपियन यूनियन तो अलग हो जाएगा। पर मैं इतनी जो सरकार आ उन्होंने भी मैं यही बेनती करूँगा, जो तुम एस जी पी सी का भी जिक्र किया, उन्हों का भी ये मैं समझा भी जिम्मेवारी बनती है सिरमौर संस्था होने के नाते कि वह भी उधरलियां सरकारां नूं अपने वालों जो मंग पत्र है जो चिट्ठियां लिख के तो उन्होंने भी दबाव पावे भी देखो भी ये वधिया गल नहीं भी जिहड़े जो नस्ली जो वितकरा वधिया। पंजाब में बढ़ रहे नशे पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को साथ चल इस मसले को हल करना चाहिए, ताकि पंजाब के नौजवानों को नशे से दूर रखा जा सके। जलंधर से पवन कुमार की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आए श्रद्धालुओं के सामान को निशाना बना रहे धोती गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई।
जिन तस्वीरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्वर्ण मंदिर के परिसर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए कि किस तरह से स्नान करने के बहाने लोग वहां पर खड़े हैं। कुछ लोग धोती को बांधते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। धोती फैलाने के बाद या दो चार लोग पास में रखे हुए सामान को धोती में छिपाकर परिसर से बाहर हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीरें धोती चोर गिरोह की कैद हुई हैं। स्वर्ण मंदिर में आने वाले रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसजीपीसी की ओर से स्वर्ण मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उससे लुटेरे और भी जल्द काबू आ जाते हैं। इसी चौकसी के तहत स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा में स्नान स्थल के पास श्रद्धालुओं के सामान को धोतियों को फैलाने की आड़ में सामान चोरी करने वाले धोती गैंग के 4 सदस्यों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। स्वर्ण मंदिर के सरोवर की परिक्रमा के चारों ओर और दुखभंजनी बेरी के पास स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने से पहले श्रद्धालु अपने सामान को बाहर रखकर सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहीं धोती गिरोह की नजर उन श्रद्धालुओं के सामान को उठाने पर होती है। तो वहीं इसी लहजे में इन धोती चोर गिरोह ने अपने काम को किया तो वहीं उनका यह पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ਕਰਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੋ ਮੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਧੋਤੀਓਂ ਕੋ ਜਬ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਤਭੀ ਸੇਵਾਦਾਰੋਂ ਨੇ ਇਨ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਨ ਕੋ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਧਰ ਦਬੋਚਾ ਔਰ ਇਨਕੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੋ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਧੋਤੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਚੋਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕਦਮ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਿਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। धोती चोर के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
विदेश जाना चाहते हो? नहीं कर पा रहे सही कंसल्टेंट की चोट या वीजा लैंड आ रही है कोई परेशानी? लो साडे वीजा एक्सपर्ट की सलाह, प्रोग्राम वीजा लाइफ लाइव कॉल करके साडे एक्सपर्ट नाल करो गलबात आज शाम 7:30 बजे सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पे। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ, यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते, यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल, यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान, यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बनती, यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आई हैव ऑलरेडी बिकम एन एल्युमिनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जीवन शास्त्र मंगवाने के लिए आप कॉल करें हमारे नंबर 9988-691-691 और 9646-691-691 पर, और विजिट करें हमारी वेबसाइट sadguruanand.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं sadguruanand@gmail.com पर। जीवन शास्त्र कुंडली मंगवाने पर आपको भेजा जाएगा 2 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त, जिसका मार्केट में मूल्य है 1100 रूपए। जीवन शास्त्र और मकान कुंडली दोनों मंगवाने पर आपको दुर्लभ रुद्राक्ष कवच, जिसका मूल्य है 3100 रूपए, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जो 1 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष से बना है। इसे गुरुजी ने मंत्रों से सिद्ध किया है, जिस कारण इसे पहनने वाले पर तंत्र मंत्र का असर नहीं करता और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता सिंह और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवन शास्त्र। दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे सदगुरु आनंद जी से, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सदगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और इस जी सदगुरु, जैसे कि मैंने सबसे पहले बात की है कि आज हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले कुंडली के बारे में जानेंगे। जो कुंडली है, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, एक इंसान का जन्म होता है, तो कहते हैं कि कुंडली बनवा लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी, एक हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता भी रखता है। तो कुंडली का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये कैसे काम करते हैं, क्या वाकई में इसमें पता चल सकता है कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो कैसे चलेगी, या फिर जो आने वाला आपका कल है क्या वो वाकई में बेहतर रहेगा या फिर नहीं? कविता, देखो, हमारा जो जीवन है बहुत मुश्किलों में, तकलीफों से कई बार बीतता है, और ये सबसे ज्यादा जो तकलीफें हैं वो ग्रस्त कौन है। एक ग्रस्त इंसान जिंदगी में जब उसकी सुबह होती है तो 1000 प्रश्नों के उसे उत्तर देने होते हैं, रात तक वो उनके उत्तर देता है, अगला दिन फिर 1000 प्रश्न होते हैं। देखो, मेरे पास बहुत से लोग फोन करते थे, बात करते थे, बहुत सी कठिन समस्याएं सब कुछ है, कुछ लोग मिल नहीं पाते थे। जीवन शास्त्र ये पत्रिका बनाने का जो मुझे सूझा है वो इसीलिए सूझा कि जो मुझे मिल नहीं सकते, जो मेरे पास आ नहीं सकते, उनकी जिंदगी की समस्याओं को उनका समाधान करने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो, एक इंसान है जो अपने जीवन जी रहा है, एक लाइन में चल रहा है, लेकिन मुश्किलों से जूझ रहा है, तकलीफों से जूझ रहा है। अब कभी वो ज्योतिष से कुंडली देखेगा, या कभी अंक शास्त्र में डालेगा कि शायद मेरे अंक शास्त्र में कहीं गलती है, शायद मेरे नाम में कुछ गलती है, या मेरे वास्तु में कुछ है। ये देखो, ये सारी चीजें कई बार हमें इतना परेशान कर देती हैं, दिमागी तौर पे हमारे को इतना झंझोर देती हैं कि हमें रास्ता नहीं दिखता। इसीलिए ये जीवन शास्त्र का निर्माण मैंने किया है दुनिया के लिए, इस आवाम के लिए, ताकि उनको पता लगे हमारी जिंदगी में परमात्मा ने ज्योतिष दिया है, जिसे ईश्वर की ज्योति कहा जाता है। अगर ईश्वर की ज्योति है, हमें रास्ता दिखाने का वो मार्ग है, तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें, अपने जीवन सुख में बनाए।